दोस्तों, MI की तरफ से एक नया फीचर आया है जहां पे जाके आप अपनी सर्विस को ट्रैक कर सकते हैं ऑनलाइन। मतलब कि पहले क्या होता था, पहले आपने अगर कोई डिवाइस दिया है रिपेयर के लिए तो आपको एक ही ऑप्शन बचता था, आप हर बार उसको कॉल करके अपने सर्विस सेंटर पे उसे पूछते थे, भाई मेरे डिवाइस का क्या हुआ, मेरा डिवाइस कब तक ठीक होगा, कब तक मैं उसको रिसीव करने आ सकता हूँ। लेकिन अब MI की तरफ से एक नया फीचर आया है जिसको बोलते हैं सर्विस डिलीवरी ट्रैकिंग। और इस ट्रैकिंग के थ्रू आप ट्रैक कर सकते हैं कि आपने जो मोबाइल फोन या कोई भी MI का डिवाइस किसी भी सर्विस सेंटर में दिया है तो उसका स्टेटस क्या है, क्या वो किसी काम के अंदर जा रहा है या फिर वो ऐसे ही रखा हुआ है। तो आज हम बात करने वाले हैं इसी ऑनलाइन ट्रैकिंग सिस्टम के बारे में और जानते हैं कि MI ने ये कदम क्यों उठाया है, क्यों जरूरत पड़ गई MI को ट्रैकिंग सिस्टम लाने की। और ऐसे अगर आप ट्रैकिंग सिस्टम देखो या इस टाइप का फीचर देखो तो और किसी ब्रांड में देखने को नहीं मिलता है जो इस कैटेगरी का ब्रांड है, लेकिन यहां पे आपको ये ट्रैकिंग सिस्टम देखने को मिलता है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गैबी, आपका फेलो, और आप सबका स्वागत करता हूं इस चैनल पर जहां पे हम बात करते हैं टेक्नोलॉजी और मैनेजमेंट के बारे में। तो चलिए करते हैं सीधी बात, शून्य बकवास। देखिए, सबसे पहले बात करें ब्रांड वैल्यू की, ब्रांड वैल्यू की या ब्रांड इमेज की या फिर एक प्रोडक्ट को एक ब्रांड बनाने की, उसके पीछे बहुत ज़्यादा एफर्ट लगता है। मतलब ऐसा नहीं है कि आपने एक डिवाइस बनाया, उसको आपने सेल आउट कर दिया, कैसे भी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी लगा के उसे बेच दिया बस, और उसके बाद आप भूल गए, हाथ उठा लिए कि भाई मेरा काम हो गया। तो ऐसे कभी भी आपका ब्रांड नहीं बन सकता है। अगर आप कोई भी टॉप ब्रांड उठा के देख लो, आप एप्पल देख लो, सैमसंग देख लो, ऐसी कोई भी मोबाइल डिवाइस में ब्रांड देख लो, तो उनकी जो एक USP है वो ये है कि वो प्रोडक्ट सेल्स के बाद भी अपने सर्विस पे भी बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। और देखिए, ब्रांड वैल्यू तभी क्रिएट होती है जब एक कस्टमर जिसने एक डिवाइस खरीदा है वो फुल्ली सेटिस्फाइड हो। मतलब कि डे वन पे जब उसने मोबाइल खरीदा और डे टू पे जब उसने अपने मोबाइल को रिप्लेस किया, मतलब कि जो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल था, उस मोबाइल का जो लाइफ साइकिल था, थ्रू आउट द साइकिल अगर एक कस्टमर खुश है, उस ब्रांड से हैप्पी है, तब जाके बनता है उस ब्रांड का एक अच्छा इमेज, ब्रांड वैल्यू। और अब अगर हम बात करें MI के बारे में या Xiaomi के बारे में या फिर Mi के बारे में, तो देखिए इसके लिए आपको वीडियोस बहुत सारी मिली होंगी जिसपे अलग अलग टाइप की सर्विस दिखाई गई। YouTube पे हजारों वीडियोस है जिसमें बताया गया है कि पुअर क्वालिटी, पुअर सर्विस क्वालिटी, यहाँ पे ये नहीं होता है, वो नहीं होता है, मोबाइल चोरी कर लेते हैं, मोबाइल में कुछ भी चेंज नहीं होता है। मतलब जो सर्विस इमेज थी MI की वो बहुत खराब थी, और उसकी वजह से जो भी यूजर्स हैं वो MI को खरीदने में भी डरते थे, क्योंकि उनको लगता था कि भाई डिवाइस खरीद लेंगे लेकिन उसके बाद क्या, अगर कुछ प्रॉब्लम आई तो क्या। लेकिन अब MI आया है सर्विस ट्रैक फैसिलिटी के साथ। देखिए, यहाँ पे क्या होता था कि जब भी आप अपना फोन किसी भी MI सर्विस सेंटर में देते थे तो आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता था उसको ट्रैक करने के लिए, वो ये था कि या तो आप फिजिकली जाके स्टोर विजिट करो या फिर उसको फोन करते रहो बार बार। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है कि MI की जो नई फैसिलिटी है उसके अकॉर्डिंग आपको कुछ नहीं करना है, आपको इस वेबसाइट पर जाना है, सिंपली जो नीचे लिखा हुआ है इस वेबसाइट पर जाना है, वहां पे आपको कोई भी एक नंबर डालना है। वो नंबर हो सकते हैं आपके MI नंबर, सीरियल नंबर, ऑर्डर नंबर, डिवाइस नंबर या मोबाइल नंबर, इनमें से आप कोई भी डिटेल्स वहां प्रोवाइड करोगे तो इनडायरेक्टली इन सबका जो OTP है वो आएगा आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे या फिर जो आपने सर्विस के टाइम पे अपना मोबाइल नंबर दिया था उस पे एक OTP आएगा, उसको डालते ही उस वेबसाइट पे आप घुस जाओगे अपनी ट्रैकिंग सिस्टम के अंदर। वहां पे आप देख पाओगे कि आपने जो डिवाइस सर्विस के लिए दिया था वो अभी किस लेवल पे है और क्या क्या काम हो चुका है उसमें। तो यहाँ पे 5 स्टेजेस है जिसके थ्रू आपको पता लग पाएगा कि आपका डिवाइस अभी कौन से फेज में है। तो अगर फेज 1 की बात करें तो वो बोलता है कि वहां पे आपका जो डिवाइस है वो अंडर इंस्पेक्शन है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि लेट्स से आपने आज डिवाइस दिया और आपने घर जाके चेक किया कि आपके डिवाइस के साथ क्या हुआ है, और अगर वहां पे फेज 1 दिखा रहा है, अंडर इंस्पेक्शन दिखा रहा है, तो इसका मतलब कि आपका जो फोन है वो डायग्नोसिस के थ्रू जा रहा है। मतलब वो चेकआउट कर रहे हैं कि आपके फोन के अंदर क्या सॉफ्टवेयर इशू है, क्या हार्डवेयर इशू है, या आपके कोई भी डिवाइस के अंदर क्या इशू है। अगर स्टेज 2 पे जाएं, अगर आपको ये दिखा रहा है कि वर्क इन प्रोग्रेस है, मतलब कि आपका जो डायग्नोसिस है, आपका जो इंस्पेक्शन है वो सक्सेसफुली हो चुका है और अब आपका जो फोन है वो वर्क इन प्रोग्रेस के अंदर आ गया, मतलब उसमें जो भी चेंजेस है वो कंपनी की तरफ से एप्लीकेबल हो रहा है। उसके बाद जो स्टेज 3 आता है वहां पे आता है रेडी फॉर डिलीवरी, मतलब कि आपका जो फोन है वो ठीक हो चुका है या आपका डिवाइस ठीक हो चुका है और अब वो डिलीवरी के लिए रेडी है। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे या तो आप फिजिकली विजिट करके अपना डिवाइस रिसीव कर सकते हैं या फिर आप उससे डिलीवर करवा सकते हैं। उसके बाद जो स्टेज 4 आता है वहां पे ये बोलता है कि आपका जो प्रोडक्ट है वो डिलीवर हो चुका है जो आपने सर्विस के लिए दिया था। तो इसका मतलब कि आपका जो प्रोडक्ट है या तो आप खुद लेके जा चुके हो या आपने किसी और से रिसीव करवाया है। और इसके बाद 5वां स्टेज आता है जिसमें आता है सर्विस कैंसिल्ड, मतलब कि आपके फोन की जो सर्विस है या तो डिलीवर हो चुकी है इसलिए उसको कैंसिल कर दिया गया है या फिर इनिशियल स्टेज में कोई प्रॉब्लम आ गई है इसलिए वो कैंसिल कर दिया गया है। तो दोस्तों, ये है एक एक्सीलेंट सर्विस फैसिलिटी जो है Xiaomi की तरफ से या MI की तरफ से आई है, क्योंकि अगर हम बात करें इस टाइप के ब्रांड्स की इंडिया में तो यहाँ पे ऐसी कोई सर्विस कोई और प्रोवाइड नहीं करता है। तो अब ये हैसल बहुत ही जल्दी हटने वाला है और ये है MI की तरफ से न्यू ईयर का गिफ्ट, मतलब कि 2018 में ये सर्विस चालू कर दिया
दी जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कि आगे अगर आपके फोन में या आपके Xiaomi डिवाइसेज में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप किस तरीके से अपने सर्विस को ट्रैक कर सकते हैं, इंस्टेंट बार बार कॉल करके या फिर फिजिकली विजिट करके अपना टाइम वेस्ट ना करके। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। आगे फिर मिलेंगे अपनी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।